हाय विचाबारी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक एंड वेलकम टू द चैनल अगेन शुभम पाठक, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 की SST और क्लास 10 की साइंस। तो आज का चैप्टर है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वन शॉट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, रिविजन लेक्चर होने वाला है, तो कम समय में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। बिफोर बिगनिंग द एक्चुअल लेक्चर, लेक्चर पहले शुरू करूँ उससे पहले मैं बता देती हूँ कि चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो। पहला पार्ट है जहाँ पे आपको पढ़ना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। इस पे 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर रोडवेज रेलवे से बेहतर कैसा है या रोडवे की इंपॉर्टेंस क्या है, उस पे सवाल आ सकता है। जो अलग अलग तरीके की रोड नेटवर्क है वो पढ़ लीजिएगा। रेलवे वाले टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें प्रिंसिपल मोड क्यों बोला जाता है रेलवे को, रेलवे में अलग अलग जगह पे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रेलवे की डेंसिटी अलग अलग क्यों होती है और रेलवे की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। पाइपलाइन में से क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसशिपमेंट पाइपलाइन में क्यों बोला जाता है कि ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं होते हैं। देन वाटरवे के प्रोज और कॉन्स और एयरवे के प्रोज एंड कॉन्स जरूर पढ़िएगा। फिर पोर्ट जो है वो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, 1 मार्कर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। और जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है जहां हम कम्युनिकेशन और टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसमें कम्युनिकेशन देश की इकोनॉमी के लिए कैसा अच्छा है और टूरिज्म देश में ट्रेड की तरह कैसे काम करता है, ये 2 सवाल बनते हैं। इसके साथ साथ एक इकोनॉमिक बैरामीटर वाला एक सेंटेंस दिया हुआ है NCERT में, दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज बेसिकली द इकोनॉमिक बैरामीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस पे भी सवाल आता है। इसके अलावा बुक में और कहीं से सवाल नहीं आते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है कि हम देश की इकोनॉमी की लाइफ लाइन यानी कि जीवन लाइन बोल रहे हैं, जीवन लाइन ही होता है ना लाइफ लाइन, जीवन लाइन बोल रहे हैं आपके कम्युनिकेशन को एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सही में ये एक्चुअली लाइफ लाइन है देश की। देखो देश में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, एग्रीकल्चर का जो सामान है इंडस्ट्रीज जाता है, इंडस्ट्रीज जाता है रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, उससे फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्री, उससे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो बनता है वो एग्रीकल्चर को जाके बूस्ट करता है ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। भाई घर में नलका खराब हो गया, आपने प्लंबर को कॉल किया तो प्लंबर आएगा या आएगी, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे, है ना। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, चीजों के लिए, प्रोडक्शन के लिए, देश को पूरा चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए एक देश जितना ज्यादा डेवलप होगा उतना वहां पर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होगा। भाई जापान जैसे कंट्रीज देखते हो, वहां पर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जापान ओवरऑल इतना डेवलप्ड है। तो एक तरीके से एफिशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि बेहतरीन ट्रांसपोर्ट देश की डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्विजिट है, देश की डेवलपमेंट के लिए एक जरूरी चीज है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो देश थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर लेगा ना। ट्रांसपोर्ट के साथ आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है, कोई चिट्ठी भेजनी है, पत्री भेजनी है, आपको कोई पॉलिसी भेजनी है किसी को, तो आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन का सहारा लेते हो। और वो कम्युनिकेशन आज के जमाने से तो एक क्लिक से हो जाता है कि व्हाट्सएप मैसेज किया, ब्रॉडकास्ट हो गया, स्नैपचैट कर दिया, इंस्टाग्राम कर दिया, DM कर दिया। लेकिन पहले जो है कम्युनिकेशन बिल्कुल इंटरवाइंड हुआ करता था ट्रांसपोर्ट के साथ। खत लेके जब तक डाकिया आता नहीं था तब तक खत में मिलता नहीं था, राइट। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट गो हैंड इन हैंड। एंड ऑल्सो ट्रेड, क्योंकि ट्रेड क्या है, ट्रेड इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज। तो जब आप सर्विसेज और गुड्स को एक्सचेंज करोगे, एक जगह से एक सामान जाके दूसरी जगह बेचा जाएगा, कोई और खरीदेगा उसे लेके घर जाएगा, तो ये जो ट्रेड का जो एक प्रॉपर पार्ट है इकोनॉमी में, ये भी ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर ऑल 3 कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि ये तीनों के तीनों देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि कौन कौन से तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर होता है, एयर होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट होता है जो धरा पे होता है, जैसे कि आपका रोडवे और रेलवे। लिख दूं क्या? लिखूंगी तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, मैं चाह रही हूँ सेशन छोटा हो जाए, है ना। रोडवे और रेलवे। वाटर में आपका इनलैंड भी होता है, यानी कि देश के अंदर का पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो इनलैंड हो गया। ओवरसीज भी होता है, यानी कि बाहर एक देश से दूसरे देश जा रहे हो। एयर जो है डोमेस्टिक भी होता है, यानी कि दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो, कलकत्ता से मुंबई जा रहे हो, मतलब देश के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो डोमेस्टिक, और देश से बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो इंटरनेशनल, राइट। और एयर में आपके हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं और एरोप्लेन्स भी आते हैं और जेट्स भी आते हैं। तो ये लैंड, वाटर और एयर 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट है। पहले हम रोडवे से शुरू करते हैं, फिर रेलवे पे जाएंगे, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतना बड़ा रोड नेटवर्क है, मतलब जितनी सड़कें बनी हुई हैं इंडिया में, अगर उन सबकी लेंथ को आप ऐड कर दोगे तो 62 लाख किलोमीटर से ऊपर की सड़कें आपको प्राप्त होंगी। तो हमारे पास सड़कें तो बहुत सारी हैं। हो भी क्यों,
हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सातवां कंट्री है लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा कंट्री सेवेंथ लार्जेस्ट है, क्लास नाइन्थ में पढ़ के आए हो इंडिया साइज एंड लोकेशन में। तो इतने बड़े कंट्री को कनेक्टिविटी देने के लिए आपको रोड नेटवर्क तो अच्छा खासा बनाना पड़ेगा, और रोडवे बनाना ना बड़ा इजी होता है। बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि उन्हें बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत पैसा लगता है। रोडवे के केस में ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी बन भी जाती है और रिपेयर भी बहुत इजी होता है। और इसी पे आता है सवाल कि रोडवे रेलवे से कैसे बेहतर है या रोडवे ओवरऑल कैसे बेहतर है। दोनों का आंसर सेम ही है। पहला पॉइंट है कि रोड को बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, रेलवे लाइन को बनाने का बहुत ही ज्यादा महंगा है। बच्चा रेलवे के संदर्भ में, रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए तो ये रेलवे वाला पार्ट लिखना, वरना आप सिंपल लिख सकते हो कि रोड को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कम है, अगर सिर्फ रोडवे की तारीफ पूछिए तो। दूसरा पॉइंट, जो ट्रैवर्स कंपैरेटिवली लैंड होता है, मतलब कि ऐसा लैंड होता है जो ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचे नीचे होता है, जहां पे सैंड ड्यून्स होते हैं, जहां पे माउंटेन्स होते हैं, ऐसी जगह पे रोडवे बनाना आसान है, बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना डिफिकल्ट है ना। जो हायर ग्रेडियंट और स्लोप होते हैं, जैसे हिमालयस पे आप जाते हो बहुत ऊंची ऊंची स्लोप्स होती हैं, बहुत स्टीप स्लोप्स होती हैं, उन स्टीप स्लोप्स पे रेलवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना तो नामुमकिन काम है, लेकिन रोडवे वहां पे भी बनाई जा सकती है। चौथा पॉइंट, रोडवे इकोनॉमिकल पड़ता है। अगर कुछ लोगों को जाना है तो ट्रेन लेने की क्या जरूरत है, फ्लाइट लेने की क्या जरूरत है, कुछ थोड़ी सी दूर पे जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, दोस्त के घर जाना है, तो फिर रेलवे लेके थोड़ी जाओगे, फिर आप रोडवे से जाओ। तो कम लोगों के लिए, कम सामान के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कम डिस्टेंस के लिए रोडवे बहुत बेहतरीन साबित होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोडवे पे ज्यादा लोग या ज्यादा सामान एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। भाई आप ट्रक भर के भी जा सकते हो, बस भर के भी जा सकते हो, है ना। तो इट इज इकोनॉमिकल दैट वे, जैसा आपको ट्रैवल करना है वो आपको फ्रीडम देता है। नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इसे फीडर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। फीडर का मतलब होता है खाना खिलाना, फीड करने का मतलब होता है खाना खिलाना, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको रेलवे पकड़नी है, कोई ट्रेन पकड़नी है, तो ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां तक की रोड लेनी पड़ेगी। आपको फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहां तक की रोड लेनी पड़ेगी। आपको शिप पकड़नी है, शिप पकड़ने के लिए भी पोर्ट तक जाना पड़ेगा, वहां तक की रोड लेनी पड़ेगी। तो नो मैटर आप कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए आपको रोडवे का सहारा लेना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है कि रोडवे एक तरीके से रोडवे में जो अनलोडिंग, ओ पहला वाला पॉइंट मैं यहाँ पे खा गई, ये वाला बता देती हूँ। लोडिंग और अनलोडिंग यहाँ पे बहुत इजी हो जाती है, मतलब कि एक ट्रक से सामान निकाल के आपको दूसरे ट्रक में डालना है या दूसरी गाड़ी में डालना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता है। हाँ सामान ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत मेहनत का काम नहीं है। रेलवे से सामान निकाल के गाड़ी में डालना या शिप से सामान निकाल के गाड़ी में डालना थोड़ा सा मेसी हो जाता है, यहाँ रोड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक और पॉइंट जो ये है कि ये डोर टू डोर सर्विस देता है। बच्चा डोर टू डोर सर्विस का मतलब होता है कि अगर आपको किसी के भी घर से उठ के किसी और के घर पे जाना है तो वहां तक आपको सड़क मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके यहाँ से ट्रेन आपको उठाए और दोस्त के घर पे छोड़ के आ जाए। नहीं, रोडवे ही एक एकमात्र ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आपके घर से उठा के आपको किसी और के घर तक छोड़ के आ जा सकता है। हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन डोर टू डोर सर्विस मिलेगी। तो ये है रोडवे के फायदे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, मतलब कि जो 62 लाख किलोमीटर के हमारी रोड्स हैं उन्हें हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बच्चा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये वो वाले हाईवेज होते हैं जो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इन्हें सुपर हाईवेज क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही चौड़े होते हैं, कम से कम 6 से 8 लेन्स के बने हुए होते हैं, 6 to 8 लेन्स के बने हुए होते हैं, मोस्टली 6 लेन्स के होते हैं। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाया गया था ताकि देश के 4 सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज को कनेक्ट किया जा सके। उनका नाम है दिल्ली, कैलकटा, चेन्नई और मुंबई। कोलकाता लिख के आएंगे, कैलकटा लिख के नहीं आएंगे। तो ये आप देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल की तरह शेप भी बनाता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, आपके यहाँ आपको 4 वर्टिसेस दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इसके 2 कॉरिडोर भी हैं। भाई जब हम सड़कें बना ही रहे थे तो कॉरिडोर्स भी बना दिए हमने। एक कॉरिडोर है जो नॉर्थ से साउथ को है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, और एक कॉरिडोर है जो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये हो गया वेस्ट। वेस्ट में पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है उसे आसाम के सिलचर से कनेक्ट करता है। तो ये 2 कॉरिडोर, इस पे भी बनवाकर क्वेश्चन आता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन से 2 शहरों को कनेक्ट करते हैं, और इस पे भी क्वेश्चन आता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से सिटीज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम चाहते थे कि इन 4 शहरों, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के बीच में जितना कम डिस्टेंस और टाइम कर सके हम कर दें, क्योंकि ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। तो हमने ये बनाया था, NHAI ने बनाया था, और NHAI ही इसकी देखभाल करता है। NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दिस इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवेज आते हैं हमारे पास, उनका नाम है नेशनल हाईवेज।
नेशनल हाईवे देश की प्राइमरी सड़कों में काम होता है, ये देश के दो एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1 जिस पे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, उसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग को नेशनल हाईवे नंबर 1 भी बोलते हैं और ये अमृतसर को दिल्ली से कनेक्ट करता है। अमृतसर के पास वाघा बॉर्डर है, दिल्ली देश की कैपिटल है, दोनों ही जो हैं देश के एक्सट्रीम पार्ट्स हैं और देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाया गया है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, आप चाहो तो अपने शहर में कौन से नेशनल हाईवे होके गुजरते हैं पता लगा सकते हो। अच्छा, नेशनल हाईवे को कौन बनाता है? NHAI नहीं बनाता है। नेशनल नेशनल बच्चे NHAI लिख के आ जाते हैं, नहीं, नेशनल हाईवे को बनाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है नेशनल हाईवेज को, मेंटेन भी वही करती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं देश के लिए, उन्हें बोला जाता है स्टेट हाईवेज। ये एक स्टेट के अंदर होते हैं, एक स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है बच्चा स्टेट की कैपिटल, जैसे यूपी की लखनऊ, हरियाणा की चंडीगढ़ है ना, और गोवा की पणजी। तो इस तरीके की कैपिटल्स जो होती हैं वो एक स्टेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसकी पूरी इकोनॉमी को ओवरसी करती हैं, इसलिए स्टेट हाईवे किसी भी स्टेट की कैपिटल को उसकी बाकी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। जैसे यूपी की बात करूं तो अगर लखनऊ को गोरखपुर से कनेक्ट कर रहे हो, लखनऊ बीइंग द कैपिटल एंड गोरखपुर सिटी बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट, तो उसको अगर कनेक्ट कर रहे हो तो दिस विल बी काउंटेड एज अ स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे बनाने और मेंटेन करने का काम होता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सिर्फ स्टेट में नहीं होती हैं, ये यूनियन टेरिटरीज में भी होती हैं। नाम पे मत जाओ, नाम में सिर्फ स्टेट है लेकिन यूटीज में भी स्टेट हाईवे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं। पहले जो हमारे देश की डिस्ट्रिक्ट रोड बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, अब हमारे देश की डिस्ट्रिक्ट रोड बहुत ही बेहतरीन है। इन्हें बनाने और मेंटेन करने का काम होता है जिला परिषद का। जिला का मतलब ही डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड एक डिस्ट्रिक्ट के अपने हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के बाकी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव, शहर, टाउन्स आते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर होता है। जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है गोरखपुर सिटी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे गांव भी आते हैं उसमें। तो गोरखपुर सिटी के हेडक्वार्टर को, यानी कि गोरखपुर सिटी को बाकी पार्ट से कनेक्ट करना गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम है। ठीक है, नेक्स्ट इज अदर रोड। अदर रोड्स का मतलब जो भी सड़कें इन चारों में काउंट नहीं होती हैं उन्हें अदर रोड्स करार दे दिया जाता है। पहले अदर रोड्स की हालत बहुत ही खराब होती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाद देश की जो ये अदर रोड्स हैं जो छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गाँव में देखी जाती हैं, आज वो भी जो है पक्की सड़कों में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट इज योर बॉर्डर रोड्स। बच्चा ये सबसे स्पेशल तरीके की सड़कें हैं हमारे देश की, क्योंकि ये देश के बॉर्डर पे हैं। आपको पता है कि राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो ऊपर लैंड का बॉर्डर है इंडिया के पास, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हम पे कब अटैक करते हैं हमें नहीं पता, इसलिए बॉर्डर रोड्स का मजबूत होना और सेफ होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमारे देश में बॉर्डर रोड्स बनाने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रो। ब्रो का पूरा फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1960 में। इसका काम है कि नॉर्दर्न इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया का, लैंड बॉर्डर जो है, वहां पे सड़कें अच्छी और मजबूत और सेफ बनाए, ताकि हम अगर एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम शेयर करना चाहते हैं या कोई टूरिज्म शेयर करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं, तो सड़कें मजबूत होनी जरूरी है ना। साथ में आर्मी के लिए भी सड़कें मजबूत होनी जरूरी है। तो इसी चीजों को नजर में रखते हुए बॉर्डर रोड्स बनाई गई थी। नाउ एक और डू यू नो दिया हुआ है आपके रोड वाले टॉपिक में, जाने से रेलवे पे जाने से पहले वो भी कर लेते हैं, वो है अटल टनल के ऊपर। देखो, दुनिया का जो सबसे लंबा हाईवे टनल है जो इतनी हाइट पे बना है, वो है आपका अटल टनल। 9 किलोमीटर का है ये, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ये मनाली नाम का जो हमारा हिल स्टेशन है उसे लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। पहले क्या होता था कि ये वैली मनाली से जाने लायक नहीं होती थी साल के छह महीने जब बर्फ नहीं पड़ती थी तो आप मनाली से लाहौल स्पीति जा पाते थे, 6 महीने वो रास्ता बंद रहता था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। लेकिन इस टनल के बनने के बाद अब मनाली से लाहौल स्पीति वैली आप 12 महीने साल के ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके बनी है, हिमालय के पीर पंजल रेंज में देखने को मिलती है। सी लेवल से 3000 मीटर की हाइट पे हमने ये टनल बनाई है एंड वी आर वेरी फेमस फॉर इट इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल्ड एंड अनमेटल रोड। हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये कटा हुआ हो, पर छोटा सा एक टॉपिक है, पढ़ लो। कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। पक्की सड़कों को मेटल रोड बोला जाता है, ये पक्के सामान से बनती है। कच्ची सड़कों को अनमेटल रोड बोला जाता है। पक्की सड़कें बारिश आए, गर्मी आए, सर्दी आए, वो सही रहती हैं, काम करती रहती हैं। अनमेटल रोड जो कच्ची सड़कें होती हैं, जब बारिश आती है तो खराब हो जाती हैं। मेटल रोड कॉन्क्रीट, सीमेंट, बिटुमन से बनी होती हैं। अनमेटल मिट्टी या गोबर, इन सारी चीजों से बनी होती है, तो जब बारिश आती है तो कीचड़ ही कीचड़ मच जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट रेलवे पे आ गए हम। रेलवे हमारा सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इस चैप्टर का, लेकिन हमारे देश के लिए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रिंसिपल मोड का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल मोड का मतलब होता है जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि रेलवे एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को बहुत मायने में सपोर्ट करता है। देखो इंडस्ट्रीज में जब रॉ मटेरियल आना होता है ना, तो जितने मर्जी ट्रक भर लो, ट्रक में तो लिमिटेड सामान आ पाएगा ना, ट्रेन भर भर के सामान लाना पड़ता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। सिमिलरली जब इंडस्ट्रीज फाइनल प्रोडक्ट बना देती हैं, तो वो भी मार्केट जाने के लिए या खेतों में जाने के लिए ट्रेन भर भर के सामान जाता है, क्योंकि सड़कों से तो आप बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, बहुत सारे ट्रक हायर करने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल का खर्चा होगा। तो ट्रेन फ्रीट, फ्रीट का मतलब यानी कि माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मालगाड़ी बोलते हैं ना, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे बहुत ही अच्छी चीज है। एट द सेम टाइम अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो रोडवे थोड़ा अनईजी हो जाता है, भाई बस में बैठ के कितनी दूर चले जाओगे ना, लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो रेलवे से कंफर्टेबल कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि मुझे तो पर्सनली फ्लाइट से भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है रेलवे। तो लोग इसे जो है पूरे देश में साइट सीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की स्कूल ट्रिप्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमारे देश को 150 सालों से इंडियन रेलवे सर्व कर रहा है और इंटीग्रेट कर रहा है। आपके रिश्तेदार देश के किसी भी कोने में हो, वहां तक कोई ना कोई ट्रेन जरूर जाती होगी। तो ये देश को सर्व करता हुआ आ रहा है 150 सालों से। इंडिया की जो रेलवे है वो इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ावा देती है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ इंडियन रेलवे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। पता है गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। उन पब्लिक सेक्टर में रेलवे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है इन पब्लिक सेक्टर, राइट। पहली ट्रेन की अगर बात करें तो पहली ट्रेन बहुत सालों पहले चली थी, 1853 में चली थी, छोटे से डिस्टेंस पे चली थी, सिर्फ 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था इसने महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई से चली थी थाने की तरफ, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली ट्रेन। और आज अगर आप देखोगे तो लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की बातें चल रही हैं, क्या पता बुलेट ट्रेन भी देश में बहुत जल्दी देखने को मिले, और कितनी सारी अलग अलग तरीके की ट्रेन, शताब्दी, गरीब रथ आ गई है, राइट। तो हमने बहुत ही लंबा एक जर्नी कवर किया। अच्छा, रेलवे की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देश बहुत बड़ा है, देश में अलग अलग तरीके का टेरेन है। अलग अलग तरीके का टेरेन का मतलब होता है कि देश में अलग अलग तरीके का लैंड है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े हिमालयाज हैं, कहीं पे दलदल वाला लैंड है, स्वम्पी लैंड है, तो कहीं पे थार डेजर्ट भी है। तो इसी वजह से देश की पॉपुलेशन एक यूनिफॉर्म नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग, मतलब पूरे देश में ऐसा नहीं है कि ना समान लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके का लैंड है। इसीलिए रेलवे जो है, रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ऊपर नीचे है। रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है, यानी कि देश का लैंड स्ट्रक्चर क्या है और वहां पे क्या इकोनॉमिक्स है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब इस पॉइंट को कैसे प्रूव करेंगे? पहला पॉइंट, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्दर्न इंडिया समतल जमीन है ना, समतल जमीन पे रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत ही आसान है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत होता है, पॉपुलेशन भी यहाँ पे बहुत होती है। तो यहाँ पे अगर आपको रेलवे बनाना है तो आपको पॉपुलेशन भी मिल जाएगी, लेबर भी मिल जाएगी, और यहाँ पे अगर आप रेलवे बनाने में इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हो तो वो वायबल भी है, क्योंकि इतनी सारी जनता रहती है नॉर्थ इंडिया में कि वो उस रेलवे को यूज करेगी तो पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, पॉपुलेशन से लेके और लैंड की वैरायटी से लेके नॉर्दर्न प्लेन रेलवे को बहुत सूट करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब बड़ी बड़ी नदियों की बात करो, नॉर्दर्न प्लेन में बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, हिमालयन नदियां भी हैं, गंगा भी बहती है ना, गंगा की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बहती हैं, तो उन नदियों पे रेलवे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उन नदियों पे रेलवे बनाने के लिए ब्रिज बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और बहुत मेहनत का काम भी है। नाउ रेलवे इन हिली एरियाज, जो हमारे हिमालयाज हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के हों, हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों या अरुणाचल के क्यों ना हो, हमारे जो हिमालयाज हैं वहाँ पे रेलवे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। एक तो वहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, बर्फबारी भी बहुत होती है, एक तो वहाँ पे स्लोप भी बहुत होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जब हम इतना पैसा खर्च करके रेलवे बना रहे हैं और लोग वहाँ रहने वाले बहुत ही कम हैं, तो फिर रेलवे बनाना वहाँ पे इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। सिमिलरली हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे हिमालयाज नहीं है लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी हिल्स हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको बनानी होती है रेलवे तो आपको टनल्स बनानी पड़ती हैं, गैप्स के बीच में से, दो पहाड़ों के बीच में से गैप्स में रेलवे बनानी पड़ती हैं, तो वहाँ पे भी रेलवे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है।
नेक्स्ट इज योर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बाकी हिस्से में तो रेलवे है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर साइड, लेकिन जो आपका जैसलमेर वाला इलाका है और जैसलमेर से आगे का जो थार डेजर्ट है, वहां पे रेलवे बनाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी में आप रेलवे ट्रैक बनाओगे, कल को धस गया, रेलवे ही धस गई तो फिर किसको पता है ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। सिमिलरली गुजरात में कुछ हिस्सा है जो काफी स्वॉम्पी है, स्वॉम्पी का मतलब काफी दलदली है। अब उस दलदली इलाके में भी यही प्रॉब्लम है कि वहां पे रेलवे ट्रैक बनाओगे, रेलवे ट्रैक धस जाएगा जमीन के, तो कोई फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खूब सारी रेलवे है, लेकिन कुछ पार्ट है मध्य प्रदेश का जहाँ पे बहुत सारे जंगल है। अब उस सारे जंगल को काट के रेलवे बनाना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना, पेड़ों को क्यों काटना है, रहने दो। सिमिलरली छत्तीसगढ़ के भी जंगलों में रेलवे बनाना अच्छी बात नहीं है, उड़ीसा में भी जो जंगल है उन्हें काट के हम रेलवे बनाना नहीं चाहते, सिमिलरली झारखंड में भी नहीं चाहते। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे रेलवे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट थे जहाँ पे हमने ये डिफिकल्ट काम को भी अपने सर पे ले लिया और अपने बलबूते पे हमने ये डिफिकल्ट काम करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल सह्याद्री, सह्याद्री जो पहाड़ों की श्रृंखला है, वहां पे रेलवे बनाना बहुत डिफिकल्ट था। ये फोटो देखो सह्याद्री की लगी हुई है, लेकिन सह्याद्री के घाट से और पासेस से हमने रेलवे निकाली और वहां के लोगों को बड़ा मजा आया। कोंकण रेलवे पे आप कभी ट्रैवल करके देखो, वहां पे इतने अच्छे नजारे देखने को मिलते हैं, झरने देखने को मिलते हैं, बारिश के सीजन में इतनी हरियाली देखने को मिलती है। तो लोग टूरिज्म पर्पज से भी ये सह्याद्री वाले कोंकण रेलवे यूज करते हैं, और गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। इससे देश की कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है और लोगों को बहुत खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। इट इज ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन सह्याद्री में भी हमने प्रॉब्लम देखी है। हमने रेलवे बहुत अच्छे से बनाई तो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना के, लेकिन कभी कभी होता है कि रेल ट्रैक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो जमीन में धस जाता है, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा बहुत स्वॉम्पी लैंड है, स्पेशली जब बारिशों का टाइम आता है तो थोड़ी दलदल बन जाती है वहां पे, तब रेलवे का छोटा छोटा टुकड़ा नीचे जमीन में धसने लगता है। तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। सो दिस इज रेलवे। ना प्रॉब्लम्स रेलवे को कितनी फेस करनी पड़ती है वो ऑलरेडी आपको पता है, पर हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम तो है कि लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग हैं जो टिकट के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो टिकट के पैसे अफोर्ड भी करवाते हैं फिर भी मजे मजे में बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, तो रेलवे को नुकसान होता है, घाटे में जाती है। दूसरा पॉइंट, चोरी चकारी बहुत होती है भाई, रेलवे ट्रैक को भी डैमेज करते हैं, रेलवे को भी डैमेज करते हैं, रेल से भी चोरी होती है, पटरी भी चुरा के ले जाते हैं भाई, पटरी चुरा के ले जाते हैं, रेलवे के अंदर का जो मग होता है ना, वाटर मग होता है, बाल्टी रखी होती है बाथरूम वगैरह, वो चुरा के ले जाते हैं। बहुत ही चोरी होती है, रेलवे स्टेशन पे भी होती है, ट्रैक पे भी होती है, ट्रेन के अंदर भी होती है। तीसरा पॉइंट, लोग चेन बहुत पुल करते हैं। जब एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है तो उस पर कोई इकलौती ट्रेन तो ट्रैवल करेगी नहीं, एक ट्रेन जाएगी उसके पीछे से दूसरी ट्रेन जाएगी, उसके पीछे से तीसरी ट्रेन जाएगी, पूरा स्केड्यूल होता है रेलवे का। जब एक ट्रेन लेट होती है किसी की चेन पुलिंग करने की वजह से, तो पीछे वाली ट्रेन भी लेट हो जाती है, उससे पीछे वाली ट्रेन भी लेट हो जाती है, और फिर वो हम बोलते रहते हैं कि हमारी इंडियन रेलवे तो हमेशा लेट ही आती है। आएगी ना लेट, पैसेंजर्स तो बार बार चेन पुल करते रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे। नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज योर पाइपलाइन, उससे पहले जो ये आपकी किताब में ये जो चार्ट दे रखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इससे पहले कि आपके दिमाग के ऊपर से जाए, गॉज क्या होता है। बच्चा गॉज होता है, रेलवे की पटरी देखी है ना सबने, नहीं देखी तो गूगल करना, अरे देखी होगी यार, रेलवे की पटरी तो देखी होगी। रेलवे की पटरी के नीचे ये फट्टे लगे हुए होते हैं लकड़ी के, लकड़ी के फट्टों के ऊपर ये दो आयरन के ऐसे रॉड टाइप लगे हुए होते हैं। इस रॉड के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे आप एक तरीके से गॉज बोल सकते हो। ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि आपकी जो ट्रेन है वो ट्रेन कितनी विथ की है ना। तो हमारी इंडिया में ब्रॉड गॉज भी देखने को मिलता है, यानी कि चौड़ी पटरियां भी देखने को मिलती हैं, मीडियम साइज की भी देखने को मिलती हैं, और नैरो गॉज की पटरियां भी देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास ब्रॉड गॉज ही है, फिर मीटर गॉज यानी कि मीडियम गॉज हमारे पास थोड़ा कम है, और नैरो गॉज तो हमारे पास बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन का साइज है वो विथ ही बहुत बड़ा होता है, तो हमें वो पटरी भी उस हिसाब से चौड़ी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट मींस। नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बच्चा पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है इंडिया में नया नवेला आया है, एज कम्पेयर टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन थोड़ा नया है। पाइपलाइंस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, पहले अच्छाइयों की बात कर लेते हैं, बुराइयों पे बाद में आते हैं। अच्छाई की बात यह है कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बड़े मजे में ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, राइट। बहुत सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है पाइपलाइंस को, नेचुरल गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है आजकल। तो पहले तो घर में सिलेंडर्स हुआ करते थे, आजकल जो महानगर आ गए हैं जैसे बैंगलोर, दिल्ली जैसी जो इलाके आ गए हैं, वहां पे गैस पाइपलाइन लग जाती है घर के आसपास, है ना, घर के अंदर ही गैस पाइपलाइन लग जाती है। अब सिलेंडर का सिस्टम ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आर पर्क्स ऑफ पाइपलाइंस। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले बहुत लिमिटेड चीजों के लिए गैस पाइपलाइंस यूज की जाती थी, आज जो है इनका यूसेज बहुत बढ़ गया। दूसरा पॉइंट,
सॉलिड्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड. पहले क्या होता था, सिर्फ लिक्विड या गैसियस आइटम गैस पाइपलाइन से ट्रैवल किया करते थे, लेकिन अब जो है आप सॉलिड को भी पाइपलाइन से ट्रैवल करा सकते हो अगर आप उसका घोल बना दो. स्लरी बनाने का मतलब, अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में मिला के घोल बना दिया है तो फिर आप उसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. हाँ, तो पाइपलाइन में क्या है कि पहले सिर्फ जो है गैस और लिक्विड ही ट्रैवल करता था, आजकल घोल बना के आप सॉलिड को भी ट्रैवल करा सकते हो. अब एक छोटी सी बुराई है पाइपलाइन में, वो ये है कि जब आप पाइपलाइन को ले डाउन कर रहे होते हो, कहीं पाइपलाइन बना रहे होते हो, तो बहुत खर्चा आता है, क्योंकि एंड टू एंड आपको पाइपलाइन बनानी पड़ती है और मटेरियल भी वो यूज करना पड़ता है जिसमें जंग ना लगे. लेकिन एक बार पाइपलाइन आपने बिछा दी, इनिशियल कॉस्ट आपने लगा दी जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, उसके बाद पाइपलाइन को मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत कम होता है. तो ये एक अच्छी बात है, इनिशियल पैसा लग रहा है, बाद में पैसा आपका कम लग रहा है. पाइपलाइन के अंदर ट्रांसशिपमेंट लॉसेस भी कम होते हैं. ट्रांसशिपमेंट लॉसेस का मतलब होता है जब आप एक चीज को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उठा के दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में देते हो तो उसे ट्रांसशिपमेंट बोला जाता है. ट्रांसशिपमेंट मतलब शिपमेंट बदलना. मान लो आपने अफ्रीका से कुछ मंगाया है, अफ्रीका से मंगाया तो पहले वो शिप के थ्रू आया, मुंबई पोर्ट पे आया, शिप के थ्रू मुंबई पोर्ट पे आया, फिर आपने उसे जो है गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालने के बाद ट्रक में डाला, ट्रक में डालने के बाद किसी वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस से फिर से एक ट्रक निकला, मार्केट तक पहुंचा. ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी ना बीच में. तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जब आप सामान उठा के दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में रखते हो तो कभी कभी कुछ लॉस हो जाता है, स्पेशली जब आप लिक्विड आइटम या सॉलिड आइटम रख रहे होते हो तो कुछ ब्रेक हो जाती हैं चीजें, कुछ यू नो फट जाती हैं चीजें, कुछ ना कुछ लॉस होता है. लेकिन पाइपलाइन में वो ट्रांसशिपमेंट लॉस नहीं है ना. आपने पॉइंट ए से कोई चीज ट्रांसपोर्ट करके पॉइंट बी पे भेजी तो पॉइंट बी पे बिल्कुल उसी सही सलामत हालत में जाएगी जैसे उसे जाना है, कोई भी लॉस नहीं होगा. राइट. नेक्स्ट इज कि पाइपलाइन, हमारे देश में अलग 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 जगह पे अलग अलग पाइपलाइन बिछी हुई है. बरौनी में भी है, मथुरा में भी है, पानीपत में भी है, फर्टिलाइजर पाइपलाइन भी है, नेचुरल गैस पाइपलाइन भी है. तो हमने पूरा देश में पाइपलाइन बिछा रखी है. लेकिन तीन मेजर पाइपलाइंस है हमारे देश की जो हमारे सिलेबस में है, वो मैं आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके दिखा देती हूँ. ये तीन मेजर पाइपलाइन पे क्वेश्चन आ जाता होता है और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम क्या ये याद करनी है? हाँ जी बिल्कुल याद करनी है, तीनों याद करनी है. पहली पाइपलाइन है जो असम से कानपुर को कनेक्ट करती है, इस वाले को देखो, ये नंबर वन, ये जो ब्लू वाली लगाई हुई है यहाँ पे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव. तो ये उत्तर प्रदेश तक जाती है, कानपुर ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है, बीच में गुवाहाटी आता है, बरौनी आता है, इलाहाबाद आता है, इसकी एक ब्रांच हल्दिया निकल जाती है, एक ब्रांच राजबंद निकल जाती है, राजबंद से मोरिंगम में एक ब्रांच निकल जाती है, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी में एक ब्रांच निकल जाती है. ये ब्रांचेस बेशक याद ना करो पर इतना समझ लो कि एक ऑयल फील्ड की पाइपलाइन है जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है असम से लेके कानपुर तक. ठीक है, तो इतना लंबा स्ट्रेच कवर करती है. नेक्स्ट इज गुजरात से जलंधर वाली. गुजरात आपको पता ही है, जलंधर पड़ता है पंजाब में. अब आपको देखना है यहां पे इस वाली को, ठीक है, ये वाली रेड वाली को देखो. रेड वाली जो पाइपलाइन है आपकी, ये विरमगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, यानी हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली के कुछ इलाके, बाकी गुजरात का वडोदरा, चक्षु, अलग 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 पार्ट से निकलती है. बट ऑल यू हैव टू लर्न इट कि गुजरात से जलंधर को कनेक्ट करती है. तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कभी कभी ना मैप में आपको पाइपलाइन बनी हुई आती है, आपसे पूछ लेंगे बता दो कौन सी पाइपलाइन है ये, ठीक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए. तीसरी पाइपलाइन है जो गुजरात के हजीरा वाले इलाके से, हरी वाली देखो, गुजरात के हजीरा वाले इलाके से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को कनेक्ट करती है. बीच में एमपी में भी जाती है, विजयपुर से होती हुई, कोटा भी कनेक्ट करती है राजस्थान का, शाहजहानपुर भी करती है, बबराला भी करती है उत्तर प्रदेश का. शाहजहानपुर और बबराला उत्तर प्रदेश में पड़ता है. तो जब हम पाइपलाइन लगाते हैं तो बीच बीच में हम ब्रांचेस भी बना देते हैं, लेकिन मेन पाइपलाइन आपको ज्यादा अच्छे से याद करनी है. ठीक है, तो मेन पाइपलाइंस के नाम याद होने चाहिए. नेक्स्ट इज आर वाटरवेज. वाटरवेज इज माई फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाई? बिकॉज इट इज दी चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत ही एंशियंट इंडिया से, जब से हम सिल्क रूट पढ़ते आ रहे हैं अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, तब से हमारे लिए, इंडिया के लिए सी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं. हमारे देश के अंदर भी पानी है और देश के बाहर भी पानी है. देश के अंदर हमारी नदियों का पानी है तो उसमें भी हम ट्रैवल करते हैं वाटरवेज के थ्रू, और देश के बाहर हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं. हमारी इंडिया का 95% ट्रेड वॉल्यूम, 95% इंटरनेशनल ट्रेड पानी के थ्रू होता है. तो सोचो पानी हमारे लिए, सी रूट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है. और वाटरवेज के बहुत फायदे हैं. सबसे पहला फायदा है कि सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. पता है केरला जैसी स्टेट्स में वाटरवे अभी भी ₹5 की टिकट मिलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी सस्ता. एट द सेम टाइम इट इज वेरी फ्यूल एफिशिएंट. देखो फ्यूल तो लगता है, फ्यूल तो रोडवे में भी लगता है, रेडवे में भी लगता है, एयरवे में भी लगता है और वाटरवे में भी लगता है. लेकिन वाटरवे में जो फ्यूल लगता है वो काफी किफायती होता है, क्योंकि थोड़े से फ्यूल में आप बहुत बड़ी सी शिप को ट्रैवल करवा सकते हो और उसमें खूब सारा सामान. इनफैक्ट आप चाहो तो एलिफेंट को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. राइट.
तो वेरी फ्यूल इफिशियंट होता है, इसीलिए इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बोला जाता है। बड़ा बड़ा सामान अगर आपको एक देश से दूसरी जगह पहुंचाना है तो मोस्ट सूटेबल होता है कि आप इससे पहुंचाओ। एयरवे से भारी सामान नहीं जा पाता है, इससे बल्कि हैवी और बड़ा सामान भी चला जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश में बहुत सारे वाटरवेज भी हैं बच्चा। नेशनल हाईवेज जैसे होते हैं वैसे ही नेशनल वाटरवे भी हैं। पहला नेशनल वाटरवे है जो अलाबाद और हल्दिया के बीच में है, ये 1620 किलोमीटर का है। अलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में पड़ता है। दूसरा वाटरवे है हमारा जो ब्रह्मपुत्रा नदी में पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा से सदिया और धुबरी ये दो शहरों को कनेक्ट करता है। थोड़ा सा छोटा है, 891 किलोमीटर का। तीसरा है जो केरला के वेस्ट कोस्ट में पड़ता है, ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है और वाटरवे नंबर 2 कौन सा है। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं दोनों पे आएगा, बाकी सब पे नहीं आएगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी पे है, और नेशनल वाटरवे नंबर जो 5 है वो आपकी ब्रह्मणी और मताई नदी पे है। दोबारा से मेरे साथ याद करो, वाटरवे नंबर 1 अलाहाबाद और हल्दिया, वाटरवे नंबर 2 सदिया एंड डुबरी, वाटरवे नंबर 3 वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला, वाटरवे नंबर 4 गोदावरी एंड कृष्णा, वाटरवे नंबर 5 ब्रह्मणी एंड मताई। पहला वाला गंगा नदी पे है, दूसरा वाला ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, सबसे बड़ा वाला गंगा नदी पे है। यही सारी चीजें आपको बस याद करनी है। नाउ इसके अलावा हमारे पास देश के अंदर भी इनलैंड वाटरवे भी है, जैसे मांडवी में है, जुराई जुआरी और कुंबरजुआ में है, सुंदरबंस में है, बैक वाटर्स ऑफ केरला में है। देश के अंदर लैंड में अगर आप वाटरवे बना रहे हो तो उसे इनलैंड बोलते हैं, बाहर बना रहे हो तो उसे आउटलैंड या इंटरनेशनल बोलते हैं। दो बार बता चुकी हूँ, याद रखना। नेक्स्ट इज मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स करने के बाद हम एयरवे पे आएंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे। सो मेजर सी पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं। आपकी बुक में शायद 12 ही दिए हुए हैं क्योंकि एनसीईआरटी पुराना एडिशन होगा। ऑल अक्रॉस इंडिया 2000 से भी ऊपर पोर्ट्स हैं, लेकिन सारे हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जो इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं वो हमारे सिलेबस में है। फिर से बता रही हूँ कि ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 95% हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इन्हीं पोर्ट से जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हमारे देश में पैसा लाती है और वो पैसा इन्हीं पोर्ट्स की वजह से आ पाता है। पहला पोर्ट है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। बच्चा देखो, जब हम आजाद हुए थे तो हमारा जो कराची पोर्ट है जो पहले हिंदुस्तान में आता था वो पाकिस्तान में चला गया। आजादी के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया। पहले कराची और मुंबई पोर्ट आसपास हुआ करते थे तो दोनों भाई भाई की तरह मिलके ट्रेड वॉल्यूम संभाल लेते थे। फिर कराची पोर्ट जब हमसे अलग हुआ तो हमें मुंबई पोर्ट पे ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया पोर्ट बनाना पड़ा जो हमने गुजरात में बनाया और उसका नाम रखा कांडला पोर्ट। कांडा पोर्ट टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब होता है जहां समंदर की लहरों, समंदर की टाइड से आप एनर्जी ऑप्टेन कर सकते हो। तो कांडला पोर्ट पे बहुत एनर्जी ऑप्टेन कर सकते हो आप समंदर की टाइड से, राइट। जो भी पूरा नॉर्थ इंडिया है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इसका सारा सामान देश से बाहर अगर बेचने के लिए जाता है तो वो कांडला पोर्ट के थ्रू जाता है। ऑब्वियसली मुंबई पोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मुंबई पोर्ट। देश का सबसे बड़ा, सबसे स्पेशियस पोर्ट है, फिर भी यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है, शिप्स हमेशा ट्रैफिक में रहती हैं। क्यों? क्योंकि इस पोर्ट से देश का सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी हमने मुंबई पोर्ट के ट्रैफिक को या डीकंजेस्ट करने के लिए ही बनाया था। तो सोचो, मुंबई पोर्ट से इतना ज्यादा ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कि उसके लिए हमने कांडला पोर्ट भी बनाया और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया, फिर भी अभी भी मुंबई पोर्ट पर ट्रैफिक लगता है। तीसरा है मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट गोवा के अंदर पड़ता है। गोवा के आसपास कर्नाटका में कुद्रेमुख नाम की माइंस हैं। कुद्रेमुख माइंस का जो आयरन है, जो हाई क्वालिटी आयरन होता है, वो या तो मोरमुगांव पोर्ट से देश के बाहर जाता है या फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट से जाता है। न्यू मैंगलोर सिमिलर लग रहा है ना, कर्नाटका में। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है और मोरमुगांव पोर्ट गोवा में है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। देखो, मोरमुगांव नाम से ही लग रहा है कि थोड़ी फैंसी सी खाने की डिश है, तो गोवा का है, ठीक है। इंडिया का ऑलमोस्ट 50% आयरन और एक्सपोर्ट जो है वो मोरमुगांव पोर्ट से जाता है। बहुत छोटा सा पोर्ट है बट वेरी वेरी इफिशियंट फॉर आर नेशन। नेक्स्ट इज कोची पोर्ट। कोची पोर्ट बिल्कुल सदर्न टिप पे है इंडिया की। देखो, ये इंडिया है तो इंडिया का ये वाला हिस्सा साउथ वेस्ट कहलाता है, ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट कहलाता है। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है आपका कोची पोर्ट और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है आपका ट्यूटीकॉरन। कंफ्यूज मत होना, वेस्ट साइड पे है कोची और ईस्ट साइड पे है ट्यूटीकॉरन। यहाँ पे भी नेचुरल लगून है, नेचुरल हार्बर है, बहुत ही सुंदर तरीके का पोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं जो इस पोर्ट को ओवरलुक करते हैं। आई हैव स्टेड इन वन ऑफ देम, इट इज वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट। नेक्स्ट इज चेन्नई पोर्ट।
देश का सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। जब पुराने जमाने में जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि देश से बहुत सारा कॉटन ट्रांसपोर्ट हुआ करता था बाकी देशों में, जो आज भी होता है, तब मुंबई पोर्ट और मद्रास पोर्ट, पहले चेन्नई को मद्रास बोलते थे, तो तब ये दोनों पोर्ट बहुत फेमस हुआ करते थे। अब भी चेन्नई पोर्ट से बहुत सारा कॉटन देश के बाहर जाता है। मुंबई के बाद अगर कोई ऐसा पोर्ट है जो सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम कैरी करता है, तो वो आपका चेन्नई पोर्ट है। तो अभी भी ये जो दो ओजी यानी कि ओरिजिनल पोर्ट थे, ये अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, सबसे पुराना, याद रखना। नेक्स्ट इज ट्यूटीकॉरिन। ट्यूटीकॉरिन पोर्ट एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, इसका खुद का नेचुरल हार्बर है, बहुत बड़े लैंड को केटर करता है, श्रीलंका, मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर आपको सामान भेजना होता है या वहां से सामान मंगाना होता है, तो ट्यूटीकॉरिन पोर्ट को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम पोर्ट। डीपेस्ट, सबसे गहरा लैंडलॉक्ड, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, और आयरन ओर का एक्सपोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट भी करता है। नेक्स्ट इज पैरादीप। पैरादीप पोर्ट पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा के आसपास भी छोटा नागपुर प्लेटू की बहुत सारी आयरन ओर्स हैं, तो पैरादीप पोर्ट भी बहुत सारा आयरन देश के बाहर एक्सपोर्ट करता है, मिनरल एक्सपोर्ट करता है। कोलकाता पोर्ट, थोड़ा ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, कोलकाता पोर्ट एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी कि नदी पे बना हुआ पोर्ट है, जो देश के अंदर ज्यादा इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे बना हुआ है, टाइडल पोर्ट है, यहाँ पे भी बड़ी लहरें उठती हैं, इन नदियों में लहरें उठती हैं, उससे आप एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। और हुगली, हुगली बेसिन तो आपको पता है ना, जहाँ पे जूट उगाया जाता है, हुगली बेसिन पे, बेसिन इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि जब वहां से नदी का पानी लड़ता है ना उस बेसिन पे, उस लैंड पे लड़ता है, तो बहुत लहरें उठती हैं, उस लहरों से आप एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। कोलकाता पोर्ट भी बहुत पतला सा पोर्ट है, तो वहां पे कंजेशन हो जाता है कभी कभी। उस कंजेशन को मिटाने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था, ताकि कोलकाता पोर्ट पे प्रेशर ना बने। दोबारा से एक बार रिवाइज करें, सबसे पहले हमने पढ़ा दीनदयाल पोर्ट जो बनाया गया था, जिसका नाम है कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया था, मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया था, मुंबई पोर्ट से सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम होता है, सबसे बड़ा, सबसे स्पेशियस पोर्ट है। देन वी स्टडीड की मार्मुगाव पोर्ट गोवा में है, जो आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है देश का 50% से ऊपर। फिर हमने देखा न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका का है, जो कुद्रेमुख माइंस को केटर करता है। देन पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में है, आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। ट्यूटीकॉरिन आपका तमिलनाडु में है, साउथ एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। कोची पोर्ट अगेन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ करता है, और ये साउथ वेस्टर्न पोर्ट में सबसे बड़ा है, राइट, साउथ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। देन वी ऑल्सो हैव कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हमने हल्दिया पोर्ट भी बनाया था। विशाखापट्टनम पोर्ट रह गया है, विशाखापट्टनम हमारे देश का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है, इसके साथ चेन्नई पोर्ट भी है, जो हमारे देश का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल है। तो ये एक-एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, चार बार पढ़ोगे, किसी को पकड़ के पढ़ाओगे, याद हो जाएगा। मैं चल रही हूँ आगे एयरवेज की तरफ। एयरवेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तारीफ की बात कर लेते हैं। एयरवे सबसे फास्टेस्ट है बच्चा, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस है। लोग एयरवे में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह, हम एयरवे अफोर्ड कर पा रहे हैं। आजकल एयरवे ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है, पहले सिर्फ अमीर लोग ही एयरवे में ट्रेवल किए जा कर पाते थे। एयरवे का एक और बहुत बड़ा फायदा है, लैंड पे कुछ भी चल रहा हो, लैंड पे दंगे चल रहे हो, कर्फ्यू लगा हुआ हो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, नदियां हो, माउंटेन्स हो, हिल्स हो, डजन मैटर। फॉरेस्ट फायर क्यों ना लगी हो, डजन मैटर। समंदर क्यों ना हो, डजन मैटर, आपको तो ऊपर से उड़ के जाना है। तो लैंड के टेरेन से एयरवे का मोस्टली लेना देना नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट हमारे देश में 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया था। एयर इंडिया हमारे देश की नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस बन गई थी। अभी रिसेंटली एयर इंडिया को फिर से प्राइवेटाइज कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत घाटे में जा रही थी एयर इंडिया, तो रिसेंटली उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। आप इसके बारे में चाहो तो गूगल पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, हमारे पास इंडिया में 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से इंडिया के अंदर भी फ्लाइट्स जाती है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, और बाहर के देशों में भी फ्लाइट जाती है। इसमें से सबसे ज्यादा पैसेंजर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है। ये सबसे बिजी एयरपोर्ट है इंडिया का। मोस्टली अगर आपको इंडिया के बाहर जाना होता है तो दिल्ली से सबसे सस्ती टिकट मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लाइट्स आती हैं, तो फ्लाइट्स को भी फायदा होता है, तो वो दिल्ली से टिकट थोड़ी सस्ती कर देती हैं। बाकी जगह से जाओगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। नेक्स्ट, हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विस भी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है, जो हमारे स्पेसिफिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के जो भी ऑफशोर ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस तो आपको समुद्र में मिलेगी ना, तो जो भी ऑफशोर उनके ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए उनके एम्प्लॉयज को पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है केटर करता है। ऐसे एरियाज में अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट लगाना है जो बहुत ही इनएक्सेसिबल है, रोडवे या रेलवे से आप नहीं जा सकते हो, वहां पे पवन हंस उन एम्प्लॉयज को लेके जाता है।
नाउ अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो देखो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है हमारे देश की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो बहुत ही सुंदर हैं, जहाँ पे बहुत पहाड़ हैं, जहाँ पे बहुत नदियाँ हैं, बाढ़ आने की टेंडेंसी है। इनफैक्ट वहाँ पे पॉपुलेशन कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और वहाँ पे रोडवे और रेलवे बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को एयर ट्रांसपोर्ट में कंसेशन देते हैं, क्योंकि उनके लिए एयर में ट्रैवल करना कोई फैंसी बात नहीं है, उनके लिए एयर में ट्रैवल करना एक जरूरत है, क्योंकि वहां पे रेलवे और रोडवे बना नहीं सकते फॉरेस्ट काट के, है ना, बेफालतू एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करके रेलवे या रोडवे बनाने की क्या जरूरत है। तो वहां पे एयरपोर्ट्स होते हैं और वहां की जनता को मिलता है थोड़ा सा डिस्काउंट। चलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे सिलेबस में है। पहला है अमृतसर का राजा सासी, एक एक करके मैं यहाँ पे सर्कल लगा रही हूँ। राजा सासी बच्चा हरियाणा में मत बना के आना, पंजाब में बनाना, पंजाब जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, ऐसे याद रखो। देन दिल्ली का ये है, हरियाणा के बीच में जो आपको एक डॉट दिखती है ना यहाँ पे, दैट इज योर दिल्ली, यहाँ पे बना देना आप IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। मुंबई का छत्रपति शिवाजी आप ऐसे बना देना, ये महाराष्ट्र है तो यहाँ पे बनाना है आपको मुंबई का छत्रपति शिवाजी। देन वी हैव चेन्नई का मीना बक्कम, ये है चेन्नई। मैं हमेशा बोलती हूँ कि तमिलनाडु को एक फेस की तरह इमेजिन करो, तो बिल्कुल आंख जहां पे होती है एक फेस की, वहां पे बना देना है आपको मीना बक्कम, दिस इज। देन वी हैव कैलकटा में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल हार्ट ऑफ कैलकटा, बिल्कुल हार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बीच में बना दोगे एक डॉट, दैट इज योर कोलकाता। देन वी हैव हैदराबाद राजीव गांधी, हैदराबाद तेलंगाना में बना के आना, आंध्र प्रदेश में मत बना के आना, अलग हो गया हैदराबाद, अब तेलंगाना के साथ है, दिस इज योर हैदराबाद राजीव गांधी। नाम से भी पूछा जा सकता है, स्टेट से भी पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस इसी तरीके से करना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का विच इज नोन एज कम्युनिकेशन। बच्चा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, देखो हमारे देश के लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी जरूरी है। कम्युनिकेशन में सिर्फ आपका व्हाट्सएप चैट नहीं आता है या स्नैपचैट नहीं आता है, कम्युनिकेशन में इंटरनेट कम्युनिकेशन भी आता है, टेलीविजन कम्युनिकेशन आता है, रेडियो भी है, प्रेस भी है, मूवीज भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं। इंडिया के पास ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क मतलब जो खत भेजने का, टेलीग्राम भेजने का, पोस्ट भेजने का जो नेटवर्क है हमारा, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। पहले तो बहुत ही खत आया करते थे, अब तो खत का जमाना नहीं है, लेकिन अभी भी दुनिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इंडिया के पास है। हम पर्सनल कम्युनिकेशन को भी हैंडल करते हैं पोस्टल नेटवर्क से, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन को भी हैंडल करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतनी अलग अलग तरीके के शहर हैं, इतने अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं, तो हमारे पास दो तरीके की मेल सर्विसेज होती हैं बच्चा, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों के लिए, एक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट कामों के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए हमारे पास फर्स्ट क्लास मेल सर्विस होती है, जिसमें आपको ऐसी चीजें भेजनी है जो ऑन पॉइंट नहीं पहुंची तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे किसी को बर्थडे कार्ड भेजना है, वो तो बर्थडे पे ही पहुंचना चाहिए ना, किसी को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजना है, किसी किसी यू नो जीवन बीमा की पॉलिसी भेजनी है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजना है बैंक का, तो ये सारी चीजें टाइम पे पहुंचनी जरूरी है। तो फर्स्ट क्लास मेल एयर के थ्रू भी जाता है, लैंड के थ्रू भी जाता है यानी रेलवे और रोडवे के थ्रू भी जाता है, और कभी कभी पानी के थ्रू भी जाता है। तो फर्स्ट क्लास को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है हमारे देश का मेल। सेकेंड होता है सेकेंड क्लास मेल, इसमें वो वाली चीजें होती हैं जो एक आधा दिन इधर उधर हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि किताबें, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि पीरियोडिकल। हाँ भाई, मतलब न्यूज़पेपर इधर उधर हो गया तो फिर न्यूज़ बासी हो जाएगी, बट सेकंड क्लास मेल जो है सिर्फ लैंड और वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है। एयर का खर्चा हम सेकंड क्लास मेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में नहीं लगाते हैं। अब देश इतना बड़ा है तो देश को हम 6 मेल चैनल्स में डिवाइड करते हैं। राजधानी चैनल होता है जो मोस्टली कैपिटल में काम करता है, पीरियोडिकल चैनल होता है जो मैगजीन से डील करता है, मेट्रो चैनल होता है जो मेट्रो सिटीज में देखा जाता है, बल्क मेल चैनल होता है जिसमें भारी सामान जाता है मेल्स में, जैसे बहुत सारी किताबें मंगाओगे तो वो बल्क मेल से आएगा, है ना, थोक का सामान मंगाओगे, होलसेल का सामान मंगाओगे तो वो बल्क मेल से आएगा, ग्रीन चैनल है जो ग्रीन एरियाज में होता है, एंड देन वी हैव बिजनेस चैनल जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कैरी करता है। तो द इंटायर कंट्री फॉर द क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज इज डिवाइडेड इंटू दीज 6 टाइप ऑफ मेल चैनल। इसके साथ साथ रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में डिजिटल इंडिया का कैंपेन कितना फेमस हो गया है, हम इंडिया को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का जो ये प्रोग्राम सरकार ने चलाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है, उसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफी सराहा है, सारी स्टेट्स ने सराहा है। इसके साथ हम चाह रहे हैं कि IT हो जाए, यानी कि इंडिया का टैलेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हम मिक्स करें तो इंडिया आगे बढ़ता रहे, और इसी के लिए हम पेटीएम, फोनपे, यू नो डिजिटल पेमेंट्स को इतना बढ़ावा देते हैं, गूगल पे, UPI पेमेंट्स को इतना बढ़ावा देते हैं, ताकि देश थोड़ा
थोड़ा कैशलेस हो जाए, देश थोड़ा अगर पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे जा रही है तो हमारा देश कहीं पीछे ना छूट जाए। अब आप देखते हो कि इंटरनेट कनेक्शन छोटे छोटे गाँव में भी देखने को मिलता है, लोग छोटे छोटे गाँव से भी रील्स बनाते हैं, अपनी बात लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन डेफिनेटली देश डिजिटलाइज हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अब इंडिया में गाँव में भी लोगों को बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, एटलीस्ट पता चलता रहता है। तो अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा जरिया है डिजिटल इंडिया, नॉलेज बढ़ रही है देश की। नेक्स्ट इज इंडिया की टेलीकॉम नेटवर्क की बात करते हैं, मतलब कि फोन रिलेटेड नेटवर्क की बात करते हैं। डेफिनेटली हम सबके पास मोबाइल फोन्स तो हैं, एक इंसान के पास आजकल 3 दिन मोबाइल फोन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले इंडिया में एसटीडी सर्विसेज हुआ करती थी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता था सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। पहले लोगों के घरों में फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करता था, वो भी सबके पास नहीं हुआ करता था, तो अलग 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 एसटीडी बूथ्स बना करते थे। आज भी बहुत सारे देशों, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में एसटीडी बूथ्स देखने को मिल जाते हैं। 75% इंडिया, 75% इंडिया हमने एसटीडी बूथ से कवर किया हुआ है। 75% का मतलब 2/3 हिस्सा हमने एसटीडी बूथ से कवर किया हुआ है। 24 घंटे हमारी एसटीडी फैसिलिटी चलती थी। लाइक आई सेड, पहले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब तो थोड़ा मोबाइल फोन पे आ गए हैं। एसटीडी के हम यूनिफॉर्म रेट दिया करते थे। यूनिफॉर्म रेट मतलब आपको कश्मीर से कन्याकुमारी फोन लगाना है तो भी उतने पैसे लगेंगे जितना दिल्ली से कानपुर लगाना है। तो हमने एक ही रेट्स रखे हुए थे एसटीडी के, पर मिनट के पैसे होते थे, लेकिन पूरे देश के लिए एक ही रेट था। और इसके बाद हमने एसटीडीज तो अब थोड़ी सी बंद हो गए हैं, लेकिन हमने स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में और बहुत बढ़ोतरी कर ली है। सो आप देखते हो कि आजकल जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके भी फेसबुक अकाउंट्स हैं। तो डेफिनेटली द कंट्री एज अ होल इज गेटिंग टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? मास कम्युनिकेशन होता है जब एक जगह से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, या बहुत सारे लोगों से एक जगह पे इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, या बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर आप देखते हो, ये मास कम्युनिकेशन का जरिया है। जब आप ट्वीट करते हो तो आपका ट्वीट कोई भी पढ़ सकता है, राइट? लेकिन वहीं अगर आप किसी को पर्सनल मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे जाके, तो वो है पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट? तो ये तो चलो इंटरनेट की बात हो गई, लेकिन हमारे जो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स होते हैं वो किसी एक के घर में थोड़ी आते हैं, वो तो पूरे इंडिया में चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मास कम्युनिकेशन का जरिया होती हैं। मास कम्युनिकेशन में हमारा देश पहले से बहुत आगे रहा है। इनफैक्ट जब से हम आजाद हुए हैं तब से हमारे देश में मास कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप्ड है। आकाशवाणी की बात करें तो वो हमारा रेडियो का मास कम्युनिकेशन का जरिया है। उसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो देश का ऑफिशियल नेशनल रेडियो चैनल है, जहाँ पे देश से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोकल लैंग्वेज में, और देश की दो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, उसमें इस पे प्रोग्राम आते हैं। कभी कभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी आके यहाँ पे अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि ये देश का नेशनल रेडियो चैनल है। और देश में कोई भी बात पहुँचानी होती है, कोई भी अवेयरनेस पहुँचाना होता है, तो हम ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट इज योर दूरदर्शन। दूरदर्शन बेचा नेशनल टेलीविजन है देश का। इस नेशनल टेलीविजन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क मतलब लैंड वाला नेटवर्क, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क हो गया ना ये तो। और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं, सीरियल्स भी आते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम भी आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आते हैं। देन वी हैव न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। इंडिया में न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा मात्रा में छपते हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग भाषाओं में छपते हैं। कम से कम 100 से ऊपर भाषाएं हैं हमारे देश में जिसमें न्यूज़पेपर छपते हैं। ओहो, बैटरी लो है मेरे लैपटॉप की, टाइम टू वाइंड अप द चैप्टर। एंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर, डेफिनेटली सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश और उर्दू में छपते हैं, लेकिन बाकी लोकल लैंग्वेजेस में भी छपते हैं। फीचर फिल्म्स का मतलब होता है अलग अलग तरीके की मूवीज। हमारे देश में डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं, हमारे देश में शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं, हमारे देश में लॉन्ग फिल्म्स भी बनती हैं। और इन सारी मूवीज के लिए हमारे देश में एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सारी मूवीज को पहले देख के उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि मूवी को अडल्ट बोला जाएगा या यूए यानी कि अंडर अडल्ट बोला जाएगा। क्या मतलब कि मूवी जो है बच्चों के देखने के लिए ठीक है कि नहीं है, या मूवी में वायलेंस या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा चार्जर लेके आती हूँ।
One second. चलो मैं जल्दी से देख लूँ कि मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं. हाँ दिख रही हूँ. अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं यहीं से. तो ये समझ आ गया ना, फीचर फिल्म्स के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की मूवीज आती हैं, तो इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता होता है इस टॉपिक से, जो मैंने सोचा आपके लिए डाल दूँ. वैसे तो मैंने क्वेश्चन वन शॉट में डाले नहीं है, लेकिन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है. लास्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म. बच्चा ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है चीजों को एक्सचेंज करना, लोगों का एक्सचेंज. स्टेट के बीच में हो रहा है, कंट्री के बीच में हो रहा है, दो शहरों के बीच में हो रहा है, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रहा है. सामान का, सर्विसेज का, लोगों का, नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का अगर एक्सचेंज हो रहा है किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन या लोगों के बीच में, तो उसे आप ट्रेड बोल देते हो. जब देश के अंदर ट्रेड हो रही होती है तो उसे आप बोलते हो डोमेस्टिक ट्रेड. जब दो देशों के बीच में ट्रेड हो रही होती है तो उसे आप बोलते हो इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड सी के थ्रू भी हो सकती है, एयर के थ्रू भी हो सकती है, लैंड के थ्रू हो सकती है. भाई इंडिया नेपाल से लैंड के थ्रू ही कर लेता है, भूटान से लैंड के थ्रू ही कर लेता है, लेकिन अमेरिका से शिप के थ्रू या फिर एयर के थ्रू होती है, राइट? सो द मार्केट इज द प्लेस वेयर दिस एक्सचेंज हैपन. नाउ आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि दुनिया एक मार्केट की तरह बन गया है. अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि इंडिया में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया की चॉकलेट खा सकते हो आप, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे इंडिया की चाय पत्ती अवेलेबल करा सकते हो. सो द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है इंटरनेशनल ट्रेड का. एक देश की इंटरनेशनल ट्रेड उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करती है. यानी कि देखो, जब हम बाकी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं ना सामान, तो बाकी देश से हमें आता है पैसा, उस पैसे को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज. तो हम बाकी देशों को देते हैं सामान और बाकी देश हमें देते हैं पैसा, तो फॉरेन एक्सचेंज से देश का पैसा बढ़ता है. देश का पैसा बढ़ता है तो देश में वेल्थ आती है, डेवलपमेंट होती है. तो इसीलिए एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को देश का इंडेक्स या बैरोमीटर बोला जा सकता है. बैरोमीटर जैसे प्रेशर को नापता है ना, वैसे देश कितना डेवलप्ड है और कितना नहीं है वो आप उसका इंटरनेशनल ट्रेड का डेटा देख के पता लगा सकते हो. नाउ कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव तो कर नहीं सकता, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है. तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, ये लॉजिक की बात है. देश है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया से जो बाहर जाएगा सामान उसे आप बोल दोगे एक्सपोर्ट, इंडिया के जो अंदर आएगा सामान उसे आप बोल दोगे इंपोर्ट. इंपोर्ट करोगे तो आपका पैसा खर्च होगा, बाकी देशों से सामान खरीद रहे हो तो पैसा खर्च होगा. एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बदले में पैसा मिलेगा, क्योंकि आप सामान बेच रहे हो. तो एक देश के लिए ज्यादा फेवरेबल क्या होगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के अंदर पैसा आएगा, राइट? तो जब एक देश की एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा होती है, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द इम्पोर्ट, वी से कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे देश के फेवर में, क्योंकि हमारे देश में पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है. लेकिन जब हमारा देश इम्पोर्ट सामान ज्यादा करता है लेकिन एक्सपोर्ट कम करता है, मतलब कि हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है. जब पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो हम उस तरीके की ट्रेड को बोलते हैं अनफेवरेबल ट्रेड. ठीक है, तो हमारे देश की अभी तक फेवरेबल चल रही है, देखो आगे का क्या होता है. आई होप एंड आई विश कि हमारे देश की ट्रेड हमेशा फेवरेबल रहे. नाउ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में नहीं मिलती. जैसे कि जेम्स और ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं. अलग अलग तरीके के जेम्स एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के इंपोर्ट करते हैं. कई केमिकल्स हैं जो हम बाकी देशों को बेचते हैं, कई केमिकल है जो उनसे खरीदते हैं, कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो बाकी देशों को देते हैं, कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बाकी देशों से लेते हैं. एग्रीकल्चर का सामान हमें नहीं चाहिए, हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो हम एग्रीकल्चर का सामान सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं. लेकिन कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मेटल आइटम है जो हम बाकी देशों से लेते हैं. तो इंडिया ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज ऑफ आर इंजीनियर्स, बिकॉज ऑफ आर यू नो टेक्नोलॉजी, हम लोग पूरी दुनिया में आजकल ग्लोबल सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही सस्ते दाम में अच्छा काम करने वाले इंजीनियर्स प्राप्त हो जाते हैं. तो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो हमारे देश में अपना बिजनेस प्रोसेस करवाती हैं, ये इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम पे लगाती हैं, और हमारे देश में इससे आता है पैसा. तो जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ सामान की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सपोर्ट आप नॉलेज को भी कर सकते हो बच्चा, एक्सपोर्ट आप टेक्नोलॉजी को भी कर सकते हो.
बिकॉज जमाना बदल रहा है। नेक्स्ट इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। सवाल पहले ये आता है, क्या आप टूरिज्म को ट्रेड बोल सकते हो? द आंसर टू दिस इज यस, टूरिज्म को ट्रेड बोला जा सकता है। और पिछले 30 सालों के अंदर इंडिया का टूरिज्म पूरे ग्लोबल लेवल पे मशहूर हो गया है। टूरिज्म देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है, और उसे ट्रेड इसलिए बोल सकते हो क्योंकि जब भी आप टूरिज्म करते हो, आप एक स्टेट से दूसरी जगह जाओगे घूमने, तो भी आप पैसा खर्च करोगे, टिकट खरीदोगे फ्लाइट की, वहां पे जाओगे, जू देखने जाओगे, कोई महल देखने जाओगे, खाना खाओगे, कपड़े खरीदोगे, शॉपिंग करोगे, राइट? तो पैसा खर्चा होता है। डोमेस्टिक टूरिज्म से भी पैसा बढ़ता है, इनफैक्ट इंटरनेशनल टूरिज्म से देश के अंदर पैसा आता है। आप दिल्ली से केरला गए टूरिज्म करने, तो कहां का पैसा बढ़ा? केरला का पैसा बढ़ा। केरला से उठ के पौंडीचेरी गए टूरिज्म करने, कहां का पैसा बढ़ा? पौंडीचेरी का बढ़ा। लेकिन अगर आप अमेरिका से इंडिया आ रहे हो, तो पूरे देश का ओवरऑल पैसा बढ़ता है। तो इंटरनेशनल टूरिज्म को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। टूरिज्म बहुत सारे सालों से इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन करता हुआ आया है। जब हम बाकी देश के पार्ट्स में जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ की एनवायरनमेंट देखते हैं, तो हमें देश के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब देश के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो हमें समझ आता है कि हमारा देश कितना वास्ट है, उसमें कितने प्यारे प्यारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कितना अच्छा हमारा कल्चर है, कितने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो देश की इंटीग्रेशन यानी कि एकता बढ़ती है। और एट द सेम टाइम जब बाकी फिरंगी लोग यानी कि फॉरेनर्स जब हमारे देश में आते हैं और हमारे देश का कल्चर देखते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे कल्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता है या बहुत कम कल्चर एग्जिस्ट करता है, तो जब हमारे देश में आके वो हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि यार इंडिया तो बहुत ब्यूटीफुल है, हमने तो जो इंडिया के बारे में बातें सुनी थी वो गलत थी, इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? तो हमारे ग्लोबल लेवल पर हमारा नाम होता है। और हमारे देश में बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए लोग टूरिज्म करने आते हैं। बच्चा हमारे देश में हेरिटेज टूरिज्म होता है, हेरिटेज टूरिज्म जैसे ताजमहल देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, है ना, हेरिटेज साइट्स देखने आते हैं। इको टूरिज्म होता है, बड़ी प्यारी प्यारी जगहें हैं जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, वहाँ पे जंगल हैं, आप देखो नॉर्थ ईस्ट में रूट ब्रिजेस हैं, फिर हमारे पास बैकवाटर है केरला का, तो वहाँ पे इको टूरिज्म होता है, मेडिकल टूरिज्म होता है, आयुर्वेदा हमारे देश में, होम्योपैथी हमारे देश में, एडवेंचर टूरिज्म होता है, हमारे यहाँ स्कूबा डाइविंग होती है, स्नॉकलिंग होती है, बीर बिलिंग में चले जाओगे पैराग्लाइडिंग हो रही है ना, बंजी जंपिंग हो रही है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी आते हैं, स्की डाइविंग स्काई डाइविंग होती है, बिजनेस टूरिज्म के लिए भी आते हैं। भाई इंडिया बूमिंग साइट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो बिजनेस टूरिज्म भी हमारे यहाँ बहुत होता है। और इतना सब होने के बाद भी इंडिया में अभी बहुत वास्ट पोटेंशियल है बच्चा। हम चाहें तो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को और प्रमोट कर सकते हैं। वी मस्ट थिंक अबाउट इट, हमें टूरिज्म को ट्रेड की तरह देखने की जरूरत है, गवर्नमेंट को टूरिज्म से पैसा कमाने की जरूरत है, एंड वी कैन डू अ लॉट अबाउट इट। सो दिस वॉज द एंटायर चैप्टर, आई होप यू एंजॉयड, आई वॉन्ट स्ट्रेच द लेक्चर एनी मोर। एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ लेक्चर खत्म कर रही हूँ। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट साउथ ईस्टर्न पोस्ट, मोस्ट साउथ ईस्टर्न पोर्ट मुझे कमेंट्स में बता देना। ये जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज उसे अवेल कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट 5 बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलना। आई पुट अ लॉट ऑफ लव इन मेकिंग दीज लेक्चर, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन गिव द लिंक टू अदर पीपल ऑल्सो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय एंड टाटा एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।